फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नमस्ते इंग्लिश के न्यूज सेशन में, जहां पे हम अलग अलग प्रकार के ग्रामर टिप सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूज। आपके सामने ये न्यूज है, मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा और इम्पोर्टेंट ग्रामर टिप यानी कि आज जानेंगे हम ऑपरेशनल के बारे में। ए एल लगा दिया गया है लास्ट में, क्या होगा, क्या मीनिंग बन जाएगा ऑपरेशन का, ए एल लगाने से कुछ चेंज होगा कि नहीं, ये सारी चीजें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग टाइम। बट बिफोर वी स्टार्ट आई हैव समथिंग टू टेल यू, अगर आप लोग फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो जल्दी से क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है हमारा अनलिमिटेड अकाउंट। बट ये अनलिमिटेड अकाउंट आपको ज्वाइन कहाँ करना है, तो इसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा हमारा नमस्ते इंग्लिश ऐप प्ले स्टोर से, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और वहां आपको ज्वाइन करना है हमारा अनलिमिटेड अकाउंट। और अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन करने के फायदे क्या है दोस्तों, तो अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन करने के फायदे ये हैं कि आप बोलकर प्रैक्टिस करके अंग्रेजी सीख पाओगे बिना किसी अन्य व्यक्ति की सहायता के, ठीक है, तो ये फायदा है। और घर बैठे आप सीख पाओगे अंग्रेजी, तो बहुत ही यूनिक फीचर है अपने आप में। सो आई होप दैट यू ऑल विल ज्वाइन अनलिमिटेड अकाउंट। ओके, सो नाउ लेट्स गो एंड टॉक अबाउट ऑपरेशनल। एक बार न्यूज पढ़ ली। The newly constructed arrival terminal 1 at T1 of the airport in the national capital is operational. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आपको पता है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसके कई टर्मिनल्स हैं, आप दिल्ली में आओगे तो देखोगे, तो T1 वाला जो पार्ट है ऑफ द एयरपोर्ट वो जो है ऑपरेशनल है। अब ऑपरेशनल है का क्या मतलब है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ अभी वो जानेंगे, ठीक है। तो आई डू नॉट वॉन्ट टू डिस्क्लोज इट प्रॉपरली राइट नाउ, अब मौका है धीरे धीरे जानिए। देखिए, आपने सुना होगा ऑपरेशन के बारे में, ठीक है, तो ऑपरेशन एज अ नाउन भी आप ट्रीट करते हो भाई, ऑपरेशन है ना, या फिर ऑपरेट करना, जैसे ऑपरेट एक जो है आपका वर्ब है, ठीक है, ऑपरेशन नाउन फॉर्म में आपने यूज कर लिया। अब मान लीजिए इसके पीछे आपने एल जोड़ दिया, ठीक है, ऑपरेशनल। अब ऑपरेशन तक तो ठीक था नाउन, ठीक है, नाउन, एल जोड़ने से फिर वो नाउन रहा नहीं, तो क्या बन गया, वो एक एडजेक्टिव बन गया। क्या बन गया दोस्तों, एडजेक्टिव, ठीक है। तो आपने एक चीज जानी कि जैसे एल जोड़ने पे आपका ये एडजेक्टिव में चेंज हो गया ऑपरेशन वाला पार्ट, ठीक है। तो ऑपरेशनल का क्या मतलब हो गया फिर, जो कार्यरत हो, ठीक है, या जो प्रयोग में हो, अभी भी जो प्रयोग में हो या फिर प्रयोग किया जा रहा हो, आप ऐसे समझ लो, किया जा रहा हो, है ना, हो है नहीं, यहाँ पे हो कर लीजिए, हो, या जो प्रयोग में है, मतलब इस टाइप से जहां जैसी सुविधा, इस टाइप से जो है मीनिंग आप निकाल सकते हो, जो प्रयोग में है, ठीक है। तो इस टाइप से ऑपरेशनल का जो है यूज आपका चेंज हो जाता है आपके सेंटेंस में, समझ आया, अगर आ गया तो चलिए जो है एक सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे यह है छोटी सी कार, क्या है, अभी भी अब क्या कह लो, प्रयोग में है, ठीक है। मतलब आप कहना चाहते हो, आपने अपने दोस्त को कुछ दिखाया, वो कह रहा है ये तो खराब हो गई होगी, तो आप कहते हो नहीं, ये छोटी सी कार अभी भी प्रयोग में है, है ना, आप ऐसे कहना चाह रहे हो। या फिर आपने घर में कोई और मशीन है, आप उसको कहना चाहते हो नहीं, अभी भी प्रयोग में है, मैं यूज करता हूँ इसको, बहुत साल पुरानी चीजें हैं, ठीक है। कोई इंडक्शन कुकर है, उसको आप कह रहे हो नहीं, अभी भी प्रयोग में है, तो आप जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हो कई कई अन्य जगहों पे, ठीक है। तो ये तो एक एग्जांपल है, आप तो और जो है डिफरेंट एग्जांपल्स आप पेस्ट कर सकते हो डेफिनेटली, ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा अभी। सो लेट्स ट्रांसलेट दिस पार्ट फर्स्ट। यह है छोटी सी, इसको सी कर लीजिए, छोटी सी कार अभी भी प्रयोग में है, छोटे से नहीं, छोटी सी कर लीजिए, तो यह छोटी सी कार अभी भी प्रयोग में है, तो दिस स्मॉल कार इज स्टिल ऑपरेशनल, ठीक है, वैसे फंक्शनल भी बोल सकते थे आप, ठीक है, फंक्शन एल जोड़ दोगे तो फंक्शनल, इसी टाइप से ऑपरेशन एल जोड़ दिया तो ऑपरेशनल, तो दिस स्मॉल कार इज स्टिल ऑपरेशनल, ठीक है, मतलब प्रयोग में लाया जाता है
अभी भी के लिए आपने स्टिल यूज वर्ड जो है वर्ड यूज कर लिया आपने, तो आपने देखा कि आपने एक सेंटेंस बना लिया, दिस स्मॉल कार इज स्टिल ऑपरेशनल एंड दिस इज डन दोस्तों, ठीक है। As I asked you, so many sentences are there at your level that you can translate. For example, this pressure cooker is still operational. I use that daily. मैं इसे रोज यूज करता हूँ, तो ये तो अपने डेली यूज का भी हो गया। एंड डेफिनेटली दोज हु विल बी यू नो लिसनिंग दीज सेंटेंसेस, डेफिनेटली आप बोलोगे तो कोई तो सुनेगा, वो लोग भी इस चीज को सीख सकते हैं। तो दोस्तों नॉलेज बांटने से बढ़ती, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, लगी है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में एक सेंटेंस आप अपने डेली लाइफ से रिलेटेड बना के दिखाइए ऑपरेशनल का यूज करते हुए। आई होप कि आप ये छोटा सा टास्क कर पाओगे, हम सभी पढ़ना चाहेंगे आपके बनाए हुए सेंटेंस को, ठीक है। So at this point I end this video, and again I want to reiterate that part that if you really want to speak English fluently then it's high time that you join our unlimited account, क्योंकि unlimited account join करने से आपको बोलकर practice करके अंग्रेजी सीखने का मौका मिलेगा। So have a great day ahead, keep smiling, thank you.